आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधवा कुंजा बिहारी, जय राधा माधवा कुंजा बिहारी, जय गोपी जन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशातारिणे मंचाकल्पतरूपेश्च कृपा सिंधुमयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये नष्ट प्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपर कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्ववेदांत सारमे श्री भागवतम इष्यते तद्रसामृता तृप्तस्य नान्यत्र शाद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान ब्रजेश कनियस्तन धाम वृंदावन रम्य काचिदुपासना ब्रज वधूवर्गेण या कल्पितम्। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम कुमार्थमः श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदं तत्राधरो न परम्। मूकं करोति वाचालं अंगूलं घ्रियते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधव। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 16वें अध्याय से, जिसमें धर्म जो बेल का रूप कर लेकर आया था और पृथ्वी जो गाय का रूप लेकर आई थी, उनमें आपस में वार्तालाप चल रहा था। और धर्म बताता है कि मेरे तीन पांव टूट गए हैं और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूं। पृथ्वी से भी पूछता है, पृथ्वी देवी भी बोलती है कि जब से भगवान चले गए हैं मैं, अब मेरे को अनुभव हो रहा है कि मैं कितनी भाग्यशाली नहीं हूँ। अब जब इतना अनुभव हुआ, जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, तब तक भगवान ने मुझे त्याग दिया था। मैं ध्वज वज्र अंकुश तथा कमल चिन्हों से, जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकता, और इस प्रकार से पृथ्वी देवी कहती है, हे धर्म पुरुष, बेल से कहती है, हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य सामग्री के समूह के भार से बोझिल उठी थी, और अब भगवान की कृपा से उससे उबर चुकी हूँ। इस प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे, इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुआ। पृथ्वी कहती है कि अतः ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। वह अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय गोद को जीतने वाले थे। पृथ्वी बोलती, जब वे मेरी सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमलों की धूल में धंस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती, जो हर्ष उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। इस प्रकार से पृथ्वी धर्म बात करें, कल हमने 16वें अध्याय का श्रवण किया, आज हम 17वें अध्याय से शुरू करेंगे, जिसका नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। सुत वाच तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंड हस्तम च वृषलम ददृशेन्द्र पलांचनम। सुत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराजा परीक्षित ने देखा कि नीचे एक नीची जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लट्ठे से पीट रहा है, मानो उनका कोई स्वामी न हो। उस स्थान पर पहुंचकर महाराजा परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लट्ठे से पीट रहा है, मानो उसका कोई स्वामी न हो। तात्पर्य, कलयुग का मुख्य लक्षण है कि निम्न जाति के शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे और ऐसे अक्षत्रिय शासकों का प्रमुख व्यवसाय होगा निर्दोष पशुओं को, विशेष रूप से ऐसी गायों तथा बैलों को जान से मारना, जो अपने स्वामी अर्थात प्रामाणिक वेश्यों द्वारा असंरक्षित रहेगी। तो ऐसी गाय या बैल जो अपने स्वामियों द्वारा रक्षित नहीं होगी, उनको मार डाला जाएगा। भगवद गीता में कहा गया है कि वैश्यों का कार्य कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार से संबंधित है। भगवद गीता में कहा गया है, वैश्यों का कार्य गरीब कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार संबंधित है। कलयुग में पतित वैश्य गायों को कसाई घरों में पहुंचाने लगे रहते हैं,
क्षत्रियों का कार्य राज्य के नागरिकों की रक्षा करना है, जबकि वैश्य गायों तथा बैलों की रक्षा करने तथा उन्हें दूध अन्न तथा दूध उत्पादन में उपयोग करने के लिए होते हैं। गाय दूध देने तथा बैल अन्न उत्पादन करने के लिए होता है। लेकिन कलयुग में शूद्र जाति के लोग प्रशासक पदों पर हैं और माता एवं पिता तुल्य गाय तथा बैल वैश्यों के द्वारा सुरक्षित न होने के कारण शुद्ध प्रशासकों द्वारा संचालित कसाईघरों को भेज दी जाती। वृषमृणाल ध्वलम मेहंतम इव बिभ्यततम वेपयमानं पदा एकेन सिदंतं शुद्रताडितं। बेल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प। जो बेल था, जो वार्तालाप कर था धर्म का, इतना धवल था, श्वेत था जैसे श्वेत कमल पुष्प। वो शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। ये कलयुग का राजा जो शूद्र था, वो इतना डराव था बैल की, एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और मूत्र पास कर रहा था। तात्पर्य कलयुग का दूसरा लक्षण है कि धर्म के नियम जो श्वेत कमल के समान निष्कलंक तथा श्वेत हैं, वो उन पर उस युग के असंस्कृत शूद्र जनों का आक्रमण होगा। कलयुग का दूसरा लक्षण है कि धर्म के नियम जो श्वेत कमल के समान कलुष तथा श्वेत हैं, वो उन पर इस युग के असंस्कृत शूद्र जनों का आक्रमण होगा। भले वे ब्राह्मण या क्षत्रिय पूर्वजों के संतान हो, लेकिन समुचित शिक्षा तथा वैदिक वाक्यमय की संस्कृति के अभाव में ऐसे शूद्र तुल्य लोग धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे लोगों से भयभीत रहेंगे। वे अपने किसी भी धर्म के अनुयायी न होने की घोषणा करेंगे और कलयुग में धर्म रूपी निर्बल बैल को मारने के लिए अनेक वाद तथा संप्रदाय उत्पन्न होंगे। राजसत्ता को धर्म निरपेक्ष अर्थात किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत से रहित घोषित किया जाएगा। फलस्वरूप धर्म के प्रति पूरी उपेक्षा बरती जाएगी। नागरिक मनमाना कर्म करने के लिए स्वतंत्र होंगे। वे साधु शास्त्र तथा गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। एक पांव पर खड़ा बैल इस बात का संकेत है कि धर्म के नियम क्रमशः विलुप्त हो जा रहे हैं। धार्मिक नियम का आंशिक अस्तित्व भी अनेक अवरोधों से संशयपूर्ण रहेगा। मानव किसी समय लड़खड़ा कर गिरने वाला है। गाम च धर्म दुधाम दीनाम रशम शुद्र पदा हताम। विवत्साम आश्रुवदनाम विवत्सामाश्रुवदनाम क्षामाम यवसम इच्छितम। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि इससे धर्म उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांवों पर शूद्र प्रहार कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वो खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। तात्पर्य कली का अगला लक्षण है गाय की दुखी अवस्था। गाय दुहने का अर्थ है द्रव रूप में धर्म प्राप्त करना। गाय दुहने का अर्थ है द्रव रूप में धर्म प्राप्त करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि केवल दुग्ध आहार करते थे। श्री सुखदेव गोस्वामी ग्रस्त किया तब जाते जब वो गाय दूता और निर्वाह भर के लिए उससे थोड़ा सा दूध ले लेते थे। यहाँ तक कि 50 वर्ष पहले तक लोग साधु को एक गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते। प्रत्येक ग्रस्त जल की तरह दूध देता था। सनातन धर्मी वैदिक नियमों का अनुयायी के लिए प्रत्येक ग्रस्त का धर्म है कि वह न केवल दूध प्राप्त करने के लिए अपितु धार्मिक नियमों को प्राप्त करने के लिए गाय तथा बैल रखे। सनातनी लोग धार्मिक नियमों के आधार पर गाय की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यज्ञ की अग्नि के लिए
दुग्ध की आवश्यकता होती है, और यज्ञ करने से गृहस्थ सुखी रहता है। गाय का बछड़ा देखने में सुंदर होता है और गाय को तुष्टि प्रदान करता है जिससे वह अधिकाधिक दूध देती है, किंतु कलयुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी विलग कर दिया जाता है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के प्रश्नों में नहीं किया जा सकता। कलयुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी जल्दी विलग कर दिया जाता है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के प्रश्नों में नहीं किया जा सकता। गाय अपनी आंखों में आंसू भर कर खड़ी रहती है और शूद्र ग्वाला कृत्रिम रूप रीति से गाय को दूध लेता है, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे काटे जाने के लिए भेज दिया जाता है। आधुनिक समाज में फैले वो सभी कष्टों के लिए ये अत्यंत जघन्य कृत्य ही उत्तरदायी थे। लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि आर्थिक विकास के नाम पर क्या कर रहे हैं। कलयुग का प्रभाव उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा। वे शांति तथा संपन्नता के समस्त प्रयासों के बावजूद उन्हें चाहिए कि वे गाय तथा बैलों को सभी प्रकार से सुखी रखें। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि गायों तथा बैलों को सुखी रखकर स्वयं सुखी कैसे बना जाए, लेकिन यह तो प्रकृति के नियम के अनुसार हकीकत। इसलिए हमें श्रीमद् भागवत गीता को प्रमाण मानना चाहिए और मानवता के पूर्ण सुख के लिए नियमों को अपनाना चाहिए। प्रपच्छ रथमारूढ़ कार्त सर परिच्छदम मेघ गंभीर या वाचा समारोपित कार्मुकः। धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराजा परीक्षित उस शूद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले, तात्पर्य दुष्टों को दंडित करने के लिए हथियारों से लैस राजश्री प्राधिकार से संपन्न महाराजा परीक्षित जैसा शासक या राजा ही कलयुग के एजेंटों को ललकार सकता है, तभी इस अधम युग का सामना कर पाना संभव हो पाएगा। ऐसे सशक्त प्रशासन अधिकारी के अभाव में सदैव शांति भंग रहती है। चुने हुए दिखावटी प्रशासक अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कभी भी महाराज परीक्षित जैसे बलवान राजा की समता नहीं कर सकते। राजवेश अथवा राजसी शैली का कोई अर्थ नहीं होता, मनुष्य के कार्य ही उनकी गिनती होती है। तस्त्वं मत शरणे लोके बलात् हसि अबलान् बलि नरदेव असि वैश्येन नटवत कर्मणा द्विज। अरे तुम कौन हो? तुम बलवान प्रतीत हो रहे, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में। वेश्य तुम देवतुल्य राजा बने हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों को उल्लंघन कर रहे हो। ये महाराजा परीक्षित जो है उस शूद्र राजा से बोल रहा है, तात्पर्य ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज कहलाते हैं, क्योंकि इनका पहला जन्म माता पिता के संयोग से होता है, दूसरा जन्म प्रामाणिक आचार्य गुरु द्वारा आध्यात्मिक दिशा से सांस्कृतिक संस्कार के फलस्वरूप होता है। इस तरह क्षत्रिय भी ब्राह्मण के समान द्विज होता है, और उसका कर्तव्य होता है कि वह असहायों को संरक्षण दे। क्षत्रिय राजा असहायों को संरक्षण प्रदान करके तथा दुष्टों को दंड देने के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। जब जब प्रशासकों द्वारा इस नैतिक कार्य में अनियमितता आती, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। कलयुग में बेचारे असहाय पशु, विशेष रूप से गायें, जिन्हें प्रशासकों से सभी प्रकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, वे अंधाधुंध मारी जाती। इस तरह के प्रशासक जिनकी नजरों के सामने घटनाएं घटती रहती हैं,
केवल नाम के ईश्वर प्रतिनिधि हैं। ऐसे सशक्त प्रशासक वेश या पद के बल पर भले गरीब जनता के शासक बने रहे, लेकिन वास्तव व्यर्थ के निम्न जाति के द्विजों की सांस्कृतिक संपन्नता के गुणों से विहीन पुरुष। निम्न जाति के एक जन्म व्यक्तियों से न्याय या समता की आशा करना व्यर्थ। अतः राजा के कुशासन के कारण कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। आधुनिक मानव समाज द्विज नहीं अर्थात, अतः ऐसी प्रजा द्वारा प्रजा की सरकार जो द्विज नहीं है कलयुग की सरकार होगी, जिसमें हर कोई दुखी होगा। यसत्वं कृष्णे गतदूरं सह गांडीव धनवना शोच्यासी अशोच्यान रहसि प्रहरण वधम महर्षि। अरे धूत, क्या तुम निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर है? चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे होते, तुम अपराधी और वध किए जाने की हो। अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर है? चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे होते, तुम अपराधी और वध किए जाने के योग्य। तात्पर्य, जिस सभ्यता में ईश्वर को देश निकाल दिया गया और जहां अर्जुन जैसा भक्ति होता न हो, वहां कलयुग के संग इस कानून विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत कसाई घरों में गाय जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था कर। ऐसे पशु हत्यारे महाराज परीक्षित जैसे पवित्र राजा द्वारा मृत्यु दंड दिए जाने के पात्र। जो अपराधी एकांत स्थान में पशु का वध करता हो, पवित्र राजा द्वारा उसी तरह मृत्यु दंड पाने का अधिकारी होता है जिस तरह एकांत में अबोध बालक का वध करने वाला हत्यारा। तम वरणाल धवहल पादे न्यून पदाचरण वृष रूपेण किम कश्चित देवन परिखेदयन। तब उन्होंने महाराजा परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन? पहले तो उसको कलयुग को पकड़ा, फिर अभी बोलते हैं बैल से पूछा, तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल या कोई देवता हो? तुम अपने तीन पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो, क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह से क्लेश पहुंचा रहे हो? तात्पर्य, कम से कम महाराजा परीक्षित के समय तक कोई गाय बैल की दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता था। अतः ऐसा भयावह दृश्य देखकर महाराजा परीक्षित आश्चर्यचकित थे। उन्होंने जानना चाहा कि वो बैल कहीं कोई देवता तो नहीं है जिसने गाय तथा बैल के भविष्य को सूचित करने की ऐसी दुर्दशा बना रखी। न जातु कौर इंद्रियाणाम दो दंड परिम्रंभिते भूतले अनुपतन्ति अस्मिन् विनाते प्राणिनाम शुचः। कुरुवंश के राजाओं के बाहुल्य से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरते भरे शोक देख करके देख रहा हूं। बेल से पूछते हैं, आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। तात्पर्य, मनुष्य तथा प्राणों की रक्षा सरकार का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य। किसी भी सरकार को ऐसे नियमों में किसी भी सरकार को ऐसे नियमों में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। इस कलयुग में किसी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा इस प्रकार की प्राणियों की सुनियोजित कला देखना भयावह है। महाराजा परीक्षित बैल की आंखों में अश्रु देखकर शोकाकुल हो रहे थे।
और उन्हें देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उनके उत्तम शासन में ऐसी अभूतपूर्व घटना घट रही। जहां तक जीवन का संबंध है, मनुष्य तथा पशु समान रूप से संरक्षित है, यही ईश्वर के राज्य की रीति। मांसोर्भे अत्र शुचः व्यते तु वृषलाद भयम्। मा रोदो अम्ब भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। हे सुरभि पुत्र, अब तुम और शोक न करो। हे सुरभि पुत्र, अब तुम और शोक मत करो। बेल से बोल रहे हैं, तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं। तथा हे गोमाता, जब तक मैं शाशल या खलों के दर्शनकर्ता के रूप में हूं, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा। तात्पर्य, बैलों, गायों तथा अन्य समस्त पशुओं की सुरक्षा तभी हो सकती है जब राज्य का शासन महाराजा परीक्षित जैसे शासक द्वारा चलाया जाए। महाराजा परीक्षित ने गाय को माता कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि वे सभ्य दिव्य क्षत्रिय राजा थे। सुरभि उन गायों को कहते थे जो वैकुंठ ग्रहों में रहती है। सुरभि उन गायों को कहते हैं जो वैकुंठ ग्रहों में रहती है और जिन्हें भगवान कृष्ण स्वयं चराते हैं। जिस प्रकार सारे मनुष्य भगवान के रूप आकार के अनुसार बनाए गए हैं, उसी तरह सारे गायें वैकुंठ की सुरभि गायों जैसी बनाई गई। भौतिक जगत में मानव समाज मनुष्य को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है, किंतु सुरभि की उन संतानों को जो चमत्कारी पेय अर्थात दूध देकर मनुष्य को संरक्षण प्रदान करती है, उनको सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई कानून नहीं है। लेकिन महाराजा परीक्षित तथा सारे पांडव गाय तथा बैल की महत्ता से पूर्ण रूप से अवगत थे और वे गो हत्यारे को सभी प्रकार से दंड देने को तैयार थे, जिसमें मृत्यु दंड भी शामिल थे। कभी कभी गो रक्षा के लिए आंदोलन होते रहे कि तो धर्मात्मा शासकों तथा पर्याप्त कानूनों के अभाव में गाय तथा बैल को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकी। मानव समाज को चाहिए कि गाय तथा बैल की महत्ता को समझे और महाराजा परीक्षित की भांति उन्हें सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे, हमें वास्तविक शांति प्रदान करेंगे क्योंकि वे गाय तथा ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत दयालु। भगवान जो है गाय और ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत दयालु। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा दृश्यन्ते साध्वी साधुवी तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्ति आयु भग गति। एष राज्ञां परधर्म हि आर्तनामार्ति निग्रह अत एनं वदिष्यामि भूतद्रुहम् असत्तमम्। हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहें तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म नष्ट हो जाते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य कि जो पीड़ित हो उनके सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतः मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। तात्पर्य, जब किसी नाम या नगर में जंगली पशु उत्पात मचाते हैं तो पुलिस या दूसरे लोगों ने मारने की कार्रवाई करते हैं।
इसी तरह सरकार का कर्तव्य कि यह समस्त असामाजिक तत्वों को जैसे चोर डकैतों तथा हत्यारों को तुरंत मार डाले। वही दंड पशु बधिकों को भी दिया जाना चाहिए, चाहे चाहिए क्योंकि पशु भी तो राज्य की प्रजा है। प्रजा का अर्थ है जिसने राज्य में जन्म लिया हुआ है और इसमें मनुष्य तथा पशु दोनों सम्मिलित है। जो भी जीव राज्य में जन्म लेता है उसका मूल अधिकारी व राजा के संरक्षण में रहे। जंगल के पशु भी राजा की प्रजा है, अतः उन्हें भी जीने का अधिकार है। तो भला गाय तथा बैल जैसे घरेलू पशु के विषय में क्या कहा जा सकता है? यदि कोई जीव किसी अन्य जीव को डराता है तो अत्यंत दुष्ट, और राजा को चाहिए कि तुरंत ऐसे उत्पाती का वध कर दे। जिस प्रकार उत्पात मचाने वाली जंगली पशु को मार दिया जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति जंगली पशु अन्य पशुओं को वृथा ही मारता है त्रस्त करता है, उसे तुरंत दंडित किया जाना चाहिए। ईश्वरीय विधान के अनुसार सारे जीव चाहे वे जिस स्वरूप के हों भगवान की संतान है, और किसी को अन्य पशु को मारने का अधिकार नहीं जब तक ईश्वरीय विधि संहिता उसकी आज्ञा न दे। बाघ अपने निर्वाह के लिए छोटे छोटे पशु को मार सकता है, किंतु मनुष्य अपने निर्वाह के लिए किसी पशु को मार नहीं सकता। यही उस ईश्वर का विधान है जिन्होंने नियम बनाया कि एक पशु दूसरे को खाकर जीता है। इसी तरह शाकाहारी भी अन्य जीव को खाकर जीवित रहते हैं, अतः नियम है कि ईश्वरीय विधान में भी जो निश्चित है उसी के अनुसार जीव को खाकर ही जीव को जीवित रहना चाहिए। ईश्वर उपनिषद का निर्देश है कि मनुष्य को भगवान के निर्देश के अनुसार रहना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त तरह तरह के अन्नों फलों तथा दूध से जीवन यापन कर सकता है, और कुछ मामलों को छोड़कर उसे पशु मांस खाने तक की आवश्यकता नहीं। कभी कभी दार्शनिक तथा विद्वान कहा जाने वाला मोहग्रस्त राजा या प्रशासक भी अपने राज्य में कसाई घर चलाने की अनुमति जाने बिना दे देता है कि पशुओं के उत्पीड़न से ऐसा मूर्ख राजा या प्रशासक नरक को जाता है। कभी कभी दार्शनिक तथा विद्वान कहे जाने वाला मोहग्रस्त राजा या प्रशासक भी अपने राज्य में कसाई घर चलाने की अनुमति यह जाने बिना दे देता है कि पशुओं के उत्पीड़न से ऐसा मूर्ख राजा या प्रशासक नरक को जाता है। प्रशासक को अपनी प्रजा जिसमें मनुष्य तथा पशु दोनों आते हैं उनकी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए, पूछताछ करते रहना चाहिए कि कहीं पर कोई जीव किसी अन्य जीव को सता तो नहीं रहा। सताने वाले जीव को तुरंत ही पकड़कर मार डालना चाहिए, जैसा कि महाराज परीक्षित ने संकेत दिया। जनता की सरकार को या जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को मूर्ख सरकारी लोगों की इच्छा अनुसार निर्दोष पशुओं के वध की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें शास्त्रोक्त ईश्वर की संहिता को जानना चाहिए। महाराजा परीक्षित उदाहरण देते हैं कि ईश्वर की संहिता के अनुसार लापरवाह राजा या प्रशासक अपनी ख्याति बल तथा अंत में उन्नति में जीवन तथा मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने के अवसर को खतरे में डाल देता है। ऐसे मूर्ख लोग अगले जीवन के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। और
जब हम आधुनिक युग के महान राजनेता के वक्तव्य या महाराज परीक्षित के वक्तव्य में अंतर ढूंढते हैं तो हमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। महाराजा परीक्षित शास्त्रीय संहिता के अनुसार धर्मात्मा थे, जबकि आधुनिक राजनेता अपने निजी विश्वास तथा भावना के अनुसार चलते हैं। इस पर संसार का कोई भी महान पुरुष आखिर बद्ध जीवी है, उसके हाथ पैर भौतिक प्रकृति की रस्सी से बंधे हैं। फिर वो अपने मनमाने विचारों द्वारा कर्म करने के लिए अपने को स्वतंत्र समझता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि महाराजा परीक्षित के काल में लोग सुखी थे और पशुओं को समुचित संरक्षण दिया जाता था, क्योंकि प्रशासन प्रशासक न तो न मनमानी करता था न ईश्वरी नियम से अनजान होता था। मूर्ख श्रद्धाविहीन प्राणी ही ईश्वर के अस्तित्व की उपेक्षा करने का प्रयत्न करते हैं और बहुमूल्य मानव जीवन की बाजी लगाकर अपने आप को धर्म निरपेक्ष होने का दावा करते हैं। मानव जीवन विशेष रूप से ईश्वर के विज्ञान को जानने के लिए मिलता है, लेकिन मूर्ख प्राणी विशेषता एक कलयुग में ईश्वर को यथार्थ रूप में जानने के बदले में धार्मिक विश्वास तथा ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध प्रचार करते हैं, यद्यपि वे जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के लक्षणों द्वारा ईश्वरीय नियमों से जकड़े हुए। तव पादान त्रीना सौर भय चतुष्पद मां भुवन त्वादशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णनुवर्तिनां। उन्होंने महाराजा परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते इस तरह पूछा है, सुरभि पुत्र तुम्हारे तीन पांव को किसने काट लिया? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नियमों की आज्ञा करी तुम्हारे समान कोई दुखी नहीं है। तात्पर्य समस्त राजाओं राज्यों के राजाओं या प्रशासकों को भगवान कृष्ण की संहिताएं जाननी चाहिए और उन्हीं के अनुसार मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए, जैसे भौतिक जीवन के सारे कष्ट भी नष्ट हो जाए। जो मनुष्य भगवान कृष्ण की संहिता को जानता है उसे गति बिना कष्ट के मिल सकती है। भगवद गीता में संक्षेप में हम ईश्वर की संहिताओं को समझ सकते हैं और श्रीमद् भागवतम में उनकी विस्तृत व्याख्या हुई। जिस राज्य में कृष्ण के आदेशों का पालन किया जाता है वहाँ कोई दुखी नहीं रहता है। जहाँ ऐसा नहीं होता है वहाँ का प्रथम लक्षण है धर्म की प्रतिनिधि के तीन पाँव कट जाते हैं तो कष्टों की झड़ी लग जाती है। जब कृष्ण साक्षात विद्यमान थे तो इन आदेशों का निसंदेह पालन होता था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में से अंधे लोगों के लिए जो उच्च पदों पर निहित है श्रीमद् भागवतम के प्रश्नों में उन्हें अंकित कर दिया गया। आख्याय वृष वृष भद्रम आख्याय वृष भद्रम व साधु नाम कृता सगाम आत्मवैरूप्य कर्तारम प्रार्थनम कीर्ति दूषणम। हे वृषभ तुमने अपराध हो और पुण्यतः ईमानदार, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ जो प्रथा के पुत्र को यश को कलंकित कर रहा है। परीक्षित महाराज बैल से बोलते, तुम नहीं अपराध और पुण्यता ईमानदार हो, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, तुम्हारे तीनों पैर किसने तोड़े हैं और जो प्रथा के पुत्र को जो हमारे परदादाओं को दादाओं को कलंकित कर रहा है। तात्पर्य महाराजा रामचंद्र तथा उनके पद चिन्हों पर चलने वाले राजा जैसे पांडव तथा उनके वंशजों के यश को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके राज्य में निरपराध तथा ईमानदार जीव कभी भी कष्ट नहीं पाते थे। बैल तथा गाय आतन निरपराधी जीवों के प्रतीक हैं, क्योंकि उनके मल तथा मूत्र को भी मानव समाज उपयोग में लाता है। प्रथा पुत्रों के वंशज तथा महाराज परीक्षित को भय था कि उनकी ख्याति विनष्ट होगी, किंतु आजकल के नेता ऐसे निरपराध पशुओं का वध करने से भी डरते नहीं। यही वह अंतर दिखता है जो उन धर्मात्मा राजाओं के शासन में तथा ईश्वरों के आदेश के ज्ञान से शून्य गैर जिम्मेदार शासकों द्वारा शासित आधुनिक राज्यों में होता है।
जनेनागसि अघमुञ्जन् सर्वतोऽस्य च मध्यम साधूनां भद्रमेव स्यात् असाधु दमने कृते। निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विषय में जहाँ कहीं भी मुझसे डरे। परीक्षित महाराज बोलते हैं, दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। बेईमान दुष्ट लोग राज्य के कायर तथा नपुंसक शासनाध्यक्ष के कारण फलते फूलते हैं, किंतु जब शासनाध्यक्ष राज्य के किसी भी कोने के सभी प्रकार के बेईमान दुष्टों का दंड दमन करने में समर्थ होते हैं तो पनप नहीं पाते हैं। जब दुष्टों को दृष्टांत रूप से दंडित किया जाता है तो समस्त भद्रता स्वतः इसके पीछे पीछे आती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह राजा या प्रशासक का मूल कर्तव्य कि शांत निरपराध प्रजा को सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे। भगवान के भक्त स्वभाव से शांत तथा निरपराध होते हैं, अतः राज्य का मूल कर्तव्य है कि वो हरेक को भगवत भक्त बनने में सहायता करे। इस तरह स्वतः ही सारे नागरिक शांत तथा निरपराध होंगे। तब राजा का एकमात्र कर्तव्य रह जाएगा बेईमानी दुष्टों का दमन करना, इससे सारे मानव समाज में शांति तथा एकता आएगी। अनागस्वी भूतेषु ये आग कृत निरंकुश आहत अस्मि भुजम साक्षात अमृतस्य अपि संगदम। जो उद्दंड व्यक्ति निरअपराधियों को सताकर अपराध करता है वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वो बाजूबंद तथा निलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी क्यों न हो। ये परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता हो मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, वो बाजूबंद तथा अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी क्यों। तात्पर्य स्वर्ग के निवासी अमर कहलाते हैं क्योंकि उनकी आयु मनुष्य की अपेक्षा काफी लंबी रहती है। मनुष्य के लिए जिसकी आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष रहती है, लाखों वर्ष की आयु निश्चित ही अमर लगेगी उसको। जैसे भगवद गीता में पता लगता है कि ब्रह्म लोकों का एक दिन 432 करोड़ सौर वर्षों के तुल्य, उसी प्रकार स्वर्ग के अन्य ग्रहों का एक दिन इस ग्रह के 6 मास के तुल्य, और वहां के निवासियों की आयु वहां के 1 करोड़ वर्ष की होती है। अतः स्वर्ग लोकों में चूंकि मनुष्य की अपेक्षा निवासियों की आयु काफी बड़ी होती है, अतः कल्पना के आधार पर वहां के निवासी अमर कहलाते हैं। महाराजा परीक्षित स्वर्ग के ऐसे निवासियों को भी ललकारते थे यदि वे निरअपराधों को कष्ट पहुंचाते। इसका अर्थ यह कि राज्य के शासनाध्यक्ष को महाराजा परीक्षित के समान सशक्त होना चाहिए, जैसे वो सबसे बलवान अपराधी को भी दंड दे सके। राज्य के शासनाध्यक्ष का यह सिद्धांत होना चाहिए, जो ईश्वरों के आदेशों की अवमानना करने वाला अपराधी उसे सदैव दंडित किया जाए। राज्ञो हि परम धर्म स्वधर्मस्थ अनुपालनम शाश्वत अन्यान यथा शास्त्रम अनापदि उत्पथान इह। शासक का यह परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को समस्त प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता है शास्त्रों के अध्यादेश से विभक्त हो जाते हैं उन्हें दंड दे। तात्पर्य शास्त्रों में आपद धर्म का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है असामान्य घटनाओं के समय का कर्तव्य।
कहा जाता है किसी असामान्य भयावह परिस्थिति में ऋषि विश्वामित्र को कुत्ते का मांस खाना पड़ा। आपातकाल मनुष्य को किसी भी पशु का मांस खाने की छूट दी जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ तो यह नहीं कि मांस खाने वालों के लिए नियमित कसाई घर चलाया जाए। राज्य द्वारा इस प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाए, केवल स्वाद के लिए सामान्य समय में किसी को मांस खाकर जीवित रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो राजा या प्रशासक को चाहिए कि इस अशिष्ट भोग के लिए उसे दंडित करे। विभिन्न कर्मों में रत विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए शास्त्रों के नियत आदेश जो उनका पालन करता है वह स्वधर्म अर्थात अपने संस्कृत कर्तव्य का पालन करने वाला कहलाता है। भागवत गीता में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने नियत धर्म और स्वधर्म को न छोड़े, भले ही स्वधर्म सर्वथा त्रुटिहीन न हो। ऐसे स्वधर्म का आपातकालन में उल्लंघन किया जा सकता है यदि परिस्थितियां उसे विवश करे, लेकिन सामान्य दिनों में उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। शासनाध्यक्ष को चाहिए कि देखे कि ऐसा स्वधर्म चाहे जैसी भी परिस्थिति हो उसके पालन करने वाला द्वारा बदला न जाए, और उसे चाहिए कि स्वधर्म पालक को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। उल्लंघन करने वालों को शास्त्र के अनुसार दंड देना चाहिए, और राजा का धर्म है कि वो देखे कि प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रों में नियत स्वधर्म का कड़ाई से पालन करता है। धर्म उवाच एतत्व पाण्डेयानां युक्तम आर्थ अभयम वच येषां गुण गणे कृष्ण दोत्यादो भगवान कृतः। धर्म ने कहा अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशी व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त। पांडवों के भक्ति गुणों पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। धर्म ने कहा भी आपने जो शब्द कहे हुए पांडववंशी व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। तात्पर्य महाराजा परीक्षित द्वारा जो आश्वासन तथा वचन दिए गए वे उनकी वास्तविक शक्ति की अतिरंजना करने वाले न थे। महाराज ने कहा था कि धर्म का उल्लंघन करने वाले यदि स्वर्ग के निवासी हों तो भी वे उनके कठोर शासन से नहीं बच सकते। वे मिथ्या ही गर्वित नहीं थे महाराज, क्योंकि भगवत भक्त के भगवान के समान ही और कभी केवल उनकी कृपा से उनसे भी बेहतर शक्तिशाली होता है। यदि कोई भक्त कोई वचन देता है तो भले ही सामान्य रूप से उसका पूरा करना कठिन लगे, लेकिन भगवान की कृपा से वो ठीक से पूरा हो जाता है। पांडवों ने अपनी अनन्य भक्ति तथा भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति द्वारा भगवान का सारथी बनना या कभी कभी पत्रवाहक बनना संभव हो पाया। भगवान भक्तों के लिए भगवान द्वारा किए गए ऐसे कार्य उन्हें अत्यंत भाते हैं, क्योंकि भगवान उन अनन्य भक्तों की सेवा करना चाहते हैं जिनके पास भगवान की पूर्ण सेवा करने के अतिरिक्त करने कोई पात्र नहीं रहता। भगवान के विख्यात सखा सेवक अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित अपने पिता की भांति शुद्ध भक्त थे। अतः भगवान सदैव उनके साथ थे, यहाँ तक कि जब तक वे माता के गर्भ में थे और उन पर अश्वत्थामा के ज्वलंत ब्रह्मास्त्र का प्रस्तार हुआ तब भी वे इनके साथ थे। भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहता है, अतः महाराजा परीक्षित द्वारा दिया गया संरक्षण का आश्वासन निरर्थक नहीं हो सकता है। धर्म ने इस तथ्य को स्वीकार किया और राजा को अपनी उच्च प्रतिष्ठा के अनुकूल आश्वासन देने के लिए धन्यवाद दिया। धर्म ने इस तथ्य को स्वीकार किया राजा को अपनी उच्च प्रतिष्ठा के अनुकूल आश्वासन देने के लिए धन्यवाद दिया। न वयम क्लेश बीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषम तम विजानी मह वाक्य भेदा विमोहिता है पुरुषेष्ठ। निश्चित कर पाना कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। इसलिए पुरुषेष्ठ निश्चित कर पाना कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित है।
संसार में ऐसे अनेक सैद्धांतिक दार्शनिक हैं जो कार्य कारण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभावों के विषय में अपना अपना मत रखते हैं। सामान्यतः छह महान दार्शनिक हैं, वैशेषिक दर्शन के लेखक कणाद, तर्कशास्त्र के लेखक गौतम, योग के लेखक पतंजलि, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के लेखक व्यासदेव। यद्यपि धर्म रूप बैल तथा पृथ्वी रूप गाय भली भांति जानते थे कि मूर्तिमत कली उनके क्लेशों का कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में वे जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है, किंतु शुद्ध भक्ति का आचरण करने से ये पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। इस तरह उत्पात पहुंचाने वालों को देखते हुए भक्तों ने कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते, वे मान लेते कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहा है, अतः वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम कर दे के करके देने दिए गए समझ कर सहन करते, अन्यथा उनके क्लेश और भी भारी होते। इस तरह उत्पात मचाने वाले को देखते हुए भक्तों ने कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते, वे मान लेते कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहा है, अतः वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम करने के लिए कम करके दिए गए समझ कर सहन करते, अन्यथा उसे क्लेश और भी भारी होते। महाराज परीक्षित चाहते थे कि प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरोध आरोप प्राप्त हो लो, किंतु उन्होंने उपयुक्त आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर वे मनोधर्मी दार्शनिक भगवान की स्वीकृति को मान्यता नहीं देते, वे अपने खुद के ढंग से क्लेशों का ढूंढने का कारण प्रयत्न करते लोग, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार ऐसे मनोधर्मी स्वयं भ्रमित रहते हैं, अतः वे नहीं जान पाते कि समस्त कारणों के अंतिम कारण परमेश्वर ही। इस प्रकार से ये जो है धर्म धर्म कह रहा है, धर्म वाचा धर्म ये सारी बात कह रहा है। परीक्षित को बता रहा है, इसके आगे भी धर्म जो है परीक्षित को और भी आगे की चीजें बताएगा। उसके बाद सूत गोस्वामी और राजा जब परीक्षित उससे बातचीत करेंगे, तभी समय होने जा रहा है, जिसको हम यहीं पे विश्राम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।